ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين كيا دكيا جاء
के दुखियानो क्या दुखिया जा के दुखियानो गम खारा गए हुने खैर क्या दुखिया जा के दुखियानो अगे कबर तो डरे पिया लगदा से लज पाल गए हुण खैर अगे कबर तो डरे पिया लगदा से लज पाल गए हुण ते हर दिल चो यार सदा निकले दिलदार गए हुण खैर हुईयां खुशियां हाकम नबियां सरदार आ गए हुण खैर हुईयां खुशियां हाकम नबियानो सरदार आ गए हुण खैर हमदो सलात तो बाद नहायत वाजिब एहतराम दोस्तों बुजुर्गों काबिल कदर माओ बहनों अजीज बच्चों रबी उल अव्वल शरीफ का यह महीना माशाल्लाह जी की पांच तारीख हो गई आका इनामदार मदनी अताजदार सरकारी मदीना सरूर कलबो सीना अहमद मुख्तार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद ते बा सादत दा महीना है और जिक्र मुस्तफा शुरू है दुआए के अल्लाह ताला सही सही बयान करके अमल दी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम दे अंदर रब्बुल आलमीन ने जगह जगह ते आमद मुस्तफा दा जिक्र किया लेकिन जड़ी आयत करीमा तलावत की है सूरत माईदा दी उदे ते बात करांगे दुआ के अल्लाह ताला सही सही बयान करके अमल दी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरं व किताबुम मुबीन कदम ना हुंदा है तहकीक इहदे अंदर कोई शक नहीं है जा अकुम मिनल्लाहि आ गया त्याड़ी तरफ नूर और रोशन किताब। रब्बुल आलमीन ने सहते करीमा दे अंदर दो शैवां दा जिक्र किया नूर और रोशन किताब। तमाम मुफस्सरीन पहले मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला तो लैके अज दे मोतबर मुफस्सिर जड़े उन्हां तक इस बात नूं उन्हां ने बयान किया वा कि नूर अल्लाह ताला ने आमना दे लाल नूं फरमाया वा और किताब मुबीन कुरान करीम नूं फरमाया वा। तो दो छेवां एक नूरे मुस्तफा एक कुरान करीम
इमाम अलंबिया अलैहि सलातो सलाम दा नूरे मुबारक कायनात दे अंदर सब तो पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया। इहदे ते हदीसे मुस्तफा भी ने कि कदों दा नूरे मुस्तफा वा, अजे कायनात दी कोई शय भी नहीं सी, या खुदा सी ते या मुस्तफा सी। रब्बुल आलमीन ने सब तो पहले अपने नूर दे विचों अपने महबूब दे नूर नू जुदा कीता और फिर वो नूरे मुस्तफा अल्लाह दे कुरब विच रिहा, अल्लाह दी मुहब्बत विच अल्लाह दे सामने अल्लाह दी इबादत करता रहा। उदियां की सूरत हो सकती है, नूर नू उनके शहद नाल तशबीह दिती जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला नू हजूर ने सलातो सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जरा मैनू यह तो दसो कि अल्लाह ताला ने हर शय तो पहले कि शय नू पैदा किया। इस कायनात का जो वजूद आ, जो आसमान नज़र आ रहे ने, जमीन नज़र आ रही है, दरिया समंदर पहाड़ चंद सूरज अर्श कुर्सी ला मकान कायनात के अंदर जो भी नज़र आ रहा वा, ये अल्लाह ने सब तो पहले कि शय नू पैदा किया। तो आमना दे लाल ने फरमाया, जाबर या जाबिरो इन अल्लाह ताला खालका कबल अशयाई नूरा नबी का मिन नूर ही। फरमाया जाबर, हर शय तो पहले अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा किया। तो कायनात की सब तो पहली मखलूक वह मदीने का ताजदार आ, वह सैयदना अब्दुल्ला का चाना रब का महबूब आ। और इस वजह तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया, मेरे महबूब फरमाओ अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सब तो पहला मुसलमान मैं वा। अना अव्वलुल मुमिनीन, सब तो पहला मोमन मैं वा जिन्हें अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह नू मन्या वा, अल्लाह दे अगे सजदा किया, सब तो पहला मैं वा। और उस वेले जाहिर अजे चंद नहीं बनिया, सूरज नहीं बनिया, जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बनिया, कायनात की कोई शय नहीं बनी। तो उन्हां चीज़ां नू फिर किदां बयान किया जा सकता कि किन्ना क दौर पहले की गल आ। तो किताबों के अंदर हदीसे पाक मिलती है कि जबराइल अलैहि सलातु व सलाम रसूल अल्लाह की बारगाह च हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च बैठे हुए ने जबराइल अलैहि सलाम। हजूर अलैहि सलातु व सलाम ने कुछ सवाल किया जबरील ते, ए जबरील जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जबरील, तेरी उम्र कितनी हो गई है? और जबरील अलैहि सलातो सलाम वो अल्लाह का फरिश्ता वा जड़ा आदम अलैहि सलाम दे कोल आया, नूह अलैहि सलाम दे कोल आया, इब्राहिम अलैहि सलाम दे कोल आया, इस्माइल अलैहि सलाम दे कोल आया, दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम, ज़िक्रिया अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, इमाम अलंबिया की बारगाह च हाजिर हुंदा रहा। तो सारे नबियों नू वेख्या, सारे नबियों के कोल अल्लाह के पैगाम लैके आया। तो जबरील ने अर्ज की, आका इना अंदाजा तो मैनू भी नहीं, हाँ एक मैं निशानी रखी हुई आ, वो मैं तेरे सामने अर्ज कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दसो जड़ी भी निशानी है तुसी बात करो। जबरील ने अर्ज की, आका मेरी जड़ी रहायश आ ना सिदरतुल मुंतहा ते, सिदरतुल मुंतहा वह जगह वा जिथे आसमाना का सिलसिला खत्म हो जाता है, अगे ला मकान का सिलसिला शुरू हो जाता, जन्नत कुर्सी यह सिलसिला अगे शुरू हो जाता वा। तो आका उस जगह पर मैं रहना वा, उस जगह पर मेरी रहायश आ, हाँ सिदरा तो उपरली सैड नू मैं देखता वा, एक सितारा मैनू नज़र आता वा, एक सितारा मैं देखना वा, बड़ा खूबसूरत सितारा वा। और वह सितारा जदों ज़ाहर हुंदा है ना,
चमकन तो बाद फिर गायब हो जाता, फिर नज़रां तो उजल हो जाता। आका वो सितारा जड़ा ना 70,000 साल तो बाद नज़र आता से, जरा अंदाजा करो साल किन्ने बनने हैं। आका 70,000 साल तो बाद नज़र आता से और 72,000 दफ़ा मैं उन्हें देख चुकिया हाँ। हूँ 70,000 न 72,000 नाल ज़र्ब करिए तो असल जवाब फिर अगे आएगा। आका इन्ना का अंदाजा मैंने है कि इन्नी दफा मैं देख चुकिया वा, 70,000 साल तो बाद चमक देंदा सी, मुड़ के फिर गायब हो जाता सी, नज़रां तो उजल हो जाता सी। तो जबरेल ने इन्नी गल करके ना समझा कि हजूर परेशान हो जाएंगे, मेरी इस गल ते सोचण लग पैणगे कि जबरेल ते बहुत ज़्यादा कम लंबा हो जाना वा। इमाम उल अंबिया परेशान नहीं होए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जबरेल आना इज्जत रब्बी जालिकल कौकब, ए जबरेल मैं रब्बुल इज्जत की कसम वो सितारा ते मैं वा जिहड़ा तू देखदा रहा वा, जिन्हों तू इन्नी दफा देखा है ना, वो सितारा ते मैं वा। यानी अंदाजा करो कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने गल करके अपने जहन के अंदर सोचा होएगा भाई इन्नी उम्र किदी हो सकती है, मगर मुस्तफा ने दसिया कि जबरेल मैं तो उस तो भी पहले दा हूँ, अल्लाह ने कायनात के अंदर सब तो पहले मेरा ही तो नूर तखलीक किया वा। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जो ऐसिया गल्लां सामने बयान फरमाइया ना सहाबा दे कि जिहदे अंदर आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का जिक्र भी आ गया, बाकी मामलात जिहड़े दुनिया के सन उन्होंने भी बयान किया, तो सवाल सहाबा के जहन में उठाया यार रसूल अल्लाह तुसी इन्नी पुरानिया चीज़ों दी गल्लां कर रहे हो, पुरानिया शावां का जिक्र कर रहे हो, तो तुसी नबी कदों दे हो। वेखो ना जरा सवाल कैसा मज़ेदार आ, तुसी इन्नी गल्लां कर रहे हो पिछले दौर गुजरे हो जिहड़े करोड़ां साल पहले दे ने, उन्हां दीआं गल्लां कर रहे हो, तुसी नबी कदों दे हो। मता वाजबत कन नबूवा, आका अल्लाह ने तुहानू नबूवत कदों दी दित्ती आ, तुसी कदों दे नबी हो। इमाम उल अंबिया फरमाते ने मैं उदों दा नबी हाँ, कुन तो नबी यम व आदम बैना माए व तीन, मैं उदों दा नबी हाँ जो आदम अलैहि सलाम अजे पानी और मिट्टी के दरम्यान वे सन। और जिस मिट्टी के नाल बाबे दा जिसम बनाया ना, अजे वह मिट्टी गोई नहीं सी गई, पानी अजे उस मिट्टी दाखिल नहीं किया गया जिदे नाल वजूद आदम बनना वा। फरमाया आदम अलैहि सलाम अजे रूह और जिसम के दरम्यान सन, मैं उदो भी नबी सा। तो अंदाजा करो ना फिर वक्त केड़ा होएगा, किन्निया क साल पहले की गल आ। तो आजकल लोगों ने अपने अपने अंदाजे ने गल की है। इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होगा जबरील उदो जाबर कोई शह नहीं सी, बस मैं सा या मेरा खुदा सी, बस आहद से या अहमद से, बस आहद से या अहमद से, ए कुल पसारा कल बनया, बस आहद से या अहमद से, बसे अहद से या अहमद से, ए कुल पसारा कल बनया, यारां दियां गल्लां यार जन, यारां दियां गल्लां यार जन, आदम ते प्यारा कल बनेम। फरमाया ते बड़िया उरानिया गल्ला ने, अजे आदम अलैह सलाम दा वजूद भी तैयार नहीं होया, मेरा नूर उदों में चमकारे मारदा सी। और नूरे मुस्तफा फिर कायनात दे हर शै जड़ी है ना हजूर दे सामने बनी है,
तो जिहदे सामने हर शै बनाई जाए ये सवाल करना भी आ शै कदों बनी सी, नबी नूं पता है या नहीं पता है, ये तो वैसे फजूल सवाल बन गया, इहदी हसीयत ही खत्म हो गई। आदम अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह ने तखलीक सैयदना आदम अलैहि सलाम दी कर ली, आदम अलैहि सलाम दा जिस्म मुबारक तैयार हो जांदा वा, आदम अलैहि सलाम दे जिस्म दे अंदर रब्बुल आलमीन ने रूह दाखिल फरमाई, रूह दाखिल फरमाण तो बाद आदम अलैहि सलातो व सलाम उठ के बैठ जाते ने, अल्लाह का उस वेले शुक्रिया अदा करते ने, अल्लाह की हमदो सना करते ने। सैयदना आदम अलैहि सलाम दे बनाने तो बाद रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत दे नाल आदम अलैहि सलाम दे विचों हज़रत हवा नूं भी पैदा कर दिता, इंसान दे विचों औरत नूं पैदा किया, अल्लाह की कुदरत आ। आदम अलैहि सलातो व सलाम हुण हज़रत हव्वा दोनों की शादी होंदी है, दोनों का निकाह होंदा वन, ए रब्बुल आलमीन दोनों का निकाह करन तो बाद फरमाया आदम ए त्याडी बीवी हव्वा दोनों जन्नत के अंदर चले जाओ, जाओ जन्नत के अंदर मौजा करो, रैश करो, खाओ पियो, मज़े उड़ाओ, मगर हाज़े शजरातम इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम अलैहि सलाम और उन्होंने बीवी जन्नत के अंदर रह रहे ने, जन्नत के फल जन्नत के महल हर शह इस्तेमाल विच आ रहे, जन्नत के आला बाग उन्होंने मेवे खाधे जा रहे ने, हत्ता कि फिर वह वक्त करीब आंदा वम जो आदम अलैहि सलाम नूं अल्लाह ने जमीन ते भेजन दा प्रोग्राम कर दिता। कुरान दे वाकियात दो तीन जगह ते इस अंदाज़ चांदा है कि आदम अलैहि सलाम नूं शैतान कहन लगा कि अगर तुसीं इहदा फल खा लिया ना फिर हमेशा वास्ते जन्नत च रहोगे, हमेशा वास्ते मौजा करोगे, जमीन ते नहीं जाना पएगा। लेकिन आदम अलैहि सलाम नूं अल्लाह ने बनाया जमीन वास्ते, जमीन ते खलीफा बनाना, जमीन ते भेजना वा, तो होया कि आदम अलैहि सलाम दे दिल च ख्याल आया ठीक है अल्लाह दे कुरब विच हमेशा रवांगा ते फल खा लेना, फल उन्होंने खा लिया, जो फल खा लिया तो फिर अल्लाह ने उन्होंने जमीन ते उतार दिता। अच्छा कई लोग इत्थे पता की कहिंदे ने, लो जी मेरे को गुनाह हो गया तो कि गल आ आदम अलैहि सलाम को भी तो हो ही गया सी, तो वरना उस बिल्ला ऐसी वाह हयाती करनी चाहिए, बोलो जरा, चल मेरे को गलती होगी तो कोई गल नहीं, आदम अलैहि सलाम को भी गलती होगी सी, मैं भुल गया तो कि गल, आदम अलैहि सलाम भी तो भुल ही गए सन, अपने आप को उन्हां लोगों के नाल नहीं मिलाना। आदम अलैहि सलातो व सलाम उस दरख्त का जदों फल खाते ने अल्लाह ताला ने उन्होंने जमीन ते भेज दिता, आरफ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह उन्होंने जमीन ते आना अपने अंदाज दे नाल इस तरह बयान करते ने, फरमाते ने बन चलाया उतरे जमीन दे बन चलाया तरफ जमीन दे अरशों फरशे टकाया घर थी मिलिया उदे नकाला असा लिखिया जो ली पाया ओ
घर साडा अरशे उला ला मकान, वह कहते ने सानू उतों जमीन पर घल दिता गया। कर थी मिलया देस नकाला, असा लिखिया जो ले पाया, साडा अगे जी घबराया हो, असी परदेसी साडा वतन दुराडा, बाहु दम दम गम सवाया हो, फरमांदे ने ये साडा परदेस आ, असल वतन तो साडा उधर ही है ना। असी परदेसी ते साडा वतन दुराडा, वतन दुराडा ते बहु दम दम गम सवाया हो। तैनू पता है ना कि वतन च बंदा आया हो ना, तो बंदा मुसाफिर के दूर दूसरे इलाके च रहिंदा हो, फिर वतन दीआं गल्लां करके उन्हूं सुकून मिलदा। वतन दे इलाके दीआं गल्लां कर करके ये अल्लाह वाले इस वास्ते हर वेले अल्लाह दीआं गल्लां करते रहिंदे सन। भाई मुकाम जो सी ते इत्थे ते वतन है ना, यानी मुसाफिर ने सफर विच ने बगाने देश विच आए ने, ते हर वेले तवज्जो उधर ही रहिंदी आ। आदम अलैहि सलातो वसलाम जो जमीन ते आ गए, हुण हर वेले वो वक्त याद करते ने कि या अल्लाह मेरे तो ही गलती हो गई आ, मैनू उस दरख्त के लागे नहीं सी जाना चाहिए। ये आदम की औलाद की भी सिफत होनी चाहिए, गलती करके उत्ते डटना नहीं, फौरी नदामत आनी चाहिए है। सैयदना आदम अलैहि सलातो वसलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, रब्बा ना ज़ुलमना अनफुसना वा इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ए रब्बुल आलमीन, मैं अपनी जान ते जुल्म कर लिया वम, मैं तेरे तो माफ़ी मंगना वम, मैनू माफ़ कर दे। आदम अलैहि सलाम हुण हर वाले रोंदे रहंदे ने, सुबह तो शाम रात भी इसे तरह गुजर जाती है, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रो रो के दवावां करदे ने। मुसलमानो ए रब्बुल आलमीन दी शान आ, वो बेनियाज़ बेपरवाह वम, ओदी मर्जी है तवज्जो फरमावे ते मर्जी है तवज्जो ना फरमावे। ये नहीं असी कहते भी अल्लाह सुनदा नहीं, जेड़ा कहेगा ना अल्लाह सुनदा नहीं, वह तो खाता खराब हो जाएगा।
अल्लाह हर वेले सुनदा वा, हर वेले देखदा वा, मगर बेनियाज़ बेपरवाह वा। ओदी मर्जी आ देख के तवज्जो फरमावे या ना तवज्जो फरमावे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, एक सदी नहीं, दो सदियां नहीं, 350 साल तक रो रो के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दवावां करदे रहे। एक दिन इन्नी देर तो बाद कुरान दे अल्फाज ने फता लक्का आदम मिन रब्बिहिम कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तवाब रहीम। अल्लाह फरमांदा वा असी आदम अलैहि सलाम नु कुछ कलमात इलका कीते, कुछ कलमात वल तवज्जो कराई। आदम अलैहि सलातु वस्सलाम रोंदिया रोंदिया एक दिन ख्याल आंदा वा जदों रब्बुल आलमीन ने मेरे जिस्म दे अंदर रूह दाखल कीते, फिर मैनू जन्नत दे अंदर भेज दिता। मैं जन्नत दे उपर देखना वा, अरश दी बुलंदी ते मैनू लिखिया होया नजर आंदा वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहि सलाम कहंदे ने मैं सोचना वा पहले भी अल्लाह दा नाम, आखिर बिच भी अल्लाह दा नाम, दरमियान बिच केड़ा नाम हो सकदा वा। यकीनन अल्लाह दा बड़ा ही महबूब होवेगा, अल्लाह दा बहुत प्यारा होवेगा, अल्लाह बड़ा ही प्यार करदा होवेगा। आखिया रब्बुल आलमीन ओ जिस नाम नूं अपने नाम दे नाल मिला के लिखिया वा तैनू उस महबूब दा वास्ता ही मेरे ते करम कर दे। जरा खुल के कहो सुभान अल्लाह। इन्नी गल करन दी देर होई है अल्लाह दी बारगाह दे विच्चों उसे बड़े आवाज़ आंदी है, ए मेरा प्यारे आदम अगर तू पहले दिन मेरे महबूब दा वास्ता पा लें दो, मेरे महबूब दा नाम ले लें दो, इन्ना चिर इंतजार नहीं सी करना पैना, उसे दिन ही करम हो जाना सी। फिर आदम इन्ना बड़ा वास्ता पा के दवा कल्या वास्ते कीती है, अगर सारी औलाद वास्ते भी दवा कर लें दो, मैं सारिया नू हुणे ही माफ कर देना सी। या अल्लाह ये तेनू बड़ा ही महबूब आ। अल्लाह ने फरमाया आदम हाँ ये मैनू बड़ा ही प्यारा वा, बड़ा ही महबूब आ, अगर मैं इस महबूब नू बनाना ना ना हुंदा, पैदा ना ना करना हुंदा, दुनिया ते ना भेजना हुंदा, ना मैं चन्न बनाना सी, ना मैं सूरज बनाना सी, ना मैं जन्नत दोजख बनाना सी, ना कोई शह नहीं सी बनानी, हत्ता कि मैं अपना रब होना भी जार नहीं सी करना। जो भी बनाया वो इस महबूब की खातर ही बनाया वा। अल्लाह दो जगे नू बनाया है नबी दी खातर, अल्लाह दो जगे नू बनाया है नबी दी खातर, सारी धरती नू सजाया, सारी धरती नू सजाया है नबी दी खातर, सारी धरती नू सजाया है नबी दी खातर। फरमाया आदम कायनात दी हर शै बनाई इस महबूब दी खातर। सैयदना आदम अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं अरश दी बुलंदी ते वी इसमें मुस्तफा देखना वा, जन्नत दे अंदर भी, जन्नत दे महल्लां ते हर पासे इसमें मुस्तफा नजर आंदा वा, हत्ता के जन्नत दे अंदर जड़े दरख्त ने उन्हां ते वी मैनू इसमें मुस्तफा नजर आंदा वा, होरां दी पछाण ते इसमें मुस्तफा नजर आंदा वा। पता ही लगदा वा कायनात नू रब्बुल आलमीन ने बना के महबूब दे ना कर छड़िया। कायनात बना के रब्बुल आलमीन ने महबूब दे ना ला दिती है। तुसी देखो ना मकान बनांदे हो ते मकान दे बाहर जिहड़ा ना लिखदा किहदा लिखिया जांदा, जिहड़ा उस घर दा मालक हुंदा वा। ऐसा तो कदी नहीं ना होया कि मकान बनाने वाला कोई हो ना तीसरे बंदे दा लिख दिता जाए, उहदा मालक जिहड़ा हुंदा वा उहदे नाल लाया जांदा मकान, उहदा ही नाम लिखिया जांदा वा। कायनात दे अंदर हर जगह ते महबूब दा नाम,
बाबा आदम कहता मैं देख के आया वा जन्नत दे अंदर, पता लग्या जन्नत दे अंदर भी ओ ही बंदा जाएगा जड़ा मुस्तफा दा गुलाम होवेगा। दूसरे बंदे दा उत्थे की काम आ? अल्लाह ने अपने महबूब नाल इन्ना प्यार किया, कायनात की हर शह महबूब के नाल ला दी है। और महबूब हुण तेरी मर्जी आ, तू तकसीम कर अगे लोगों नूं वंड। अता मैं कर दिता तैनू, मैं खालक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। खालक कहिंदे पैदा करन वाले नूं, तखलीक करन वाले नूं, बनाउण वाले नूं। रब फरमांदा, शार ने क्या सी प्यारी गल कीती है, मैं खालक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। मुसलमानों आदम अलैह सलाम जमीन ते आ जांदे ने, अल्लाह ताला दी हमदो सनाम अल्लाह दी तारीफ करदे ने, नाल जिक्र मुस्तफा भी करदे ने। अपने बेटियां दे सामने हजूर दा जिक्र भी करदे ने। उन्हां दा बेटा शीश अलैह सलाम, शीश अलैह सलाम उन्हां दा बेटा, नाल उन्हां नूं वसीयत भी कीती हजूर दी, आख्या बाबा जी तुसीं इह मुहम्मद कौन है जिहदा नाल नाल जिक्र करदे रहिंदे हो? तो फरमाया कि मुहम्मद ओह वाह जिहदे सदके अल्लाह ने मेरे ते करम कीता वा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहदी खातर अल्लाह ने कायनात नूं बणाया वा। और मेरा बेटा मैं तैनूं भी इह वसीयत करना वा, तू भी अल्लाह का जिक्र भी करते रहना, तो उहदे महबूब का जिक्र भी करते रहना। ये बड़ी शान वाला अल्लाह का महबूब आ। हज़रत आदम अलैहि सलाम अपनी औलाद नूं वसीयत कर रहे हैं, हर नबी अपने दौर के अंदर जिक्र मुस्तफा इसे लिए करता रहा कि मुस्तफा दे आन तो पहले पहले अल्लाह ने नबिया तक यह पैगाम पहुँचा दिता सी कि हर नबी ने अपने अपने दौर के अंदर मेरे महबूब के नाम के चर्चे बुलंद करने आ। तो वादा किया वे नबिया ने, तो वह अपना वादा भुल सकते? बोलो जरा नहीं। नूह अलैहि सलातो सलाम कश्ती च बह के मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम चिखा च बह के रब दे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, इस्माइल अलैहि सलाम, बल्कि वह नूरे मुस्तफा जिहड़ा सी उजारे फिर दुनिया से मुंतकिल तो होना सी ना, वह नूरे मुस्तफा पहले आया हज़रत आदम अलैहि सलाम की पहचानी विच। बाबा कहता वा कि मैं बड़ा हैरान हाँ, फरिश्ते मेरा इस्तकबाल करते ने, मेरे अगे पिछे चलते ने, मेरी बड़ी तजीम करते, समझ नहीं आती वजह की आ। अल्लाह ने फरमाया आदम ये जड़े फरिश्ते तेरे अगे पिछे फिरते हैं ना, तेरा इस्तकबाल करते ने, इहदी वजह मेन ये वा कि मेरा नूर जो तेरी हुण पहचानी विच है, तो इस वजह तो तेरी भी तजीम हो रही आ। ये नूरे मुस्तफा अगे मुंतकिल हुंदा आया। इमाम उल्लंबिया ने फरमाया लोगो सुनो, मेरी जड़ी जादा ना, मेरी जड़ी लड़ी आ आदम अलैह सलाम तो लैके हज़रत अब्दुल्ला तक, हज़रत हवा तो लैके सैयदा आमना तक, अल्लाह ने सारियां नूं कुफर शिरक तो गुनाह तो महफूज रखिया वा, नूरे मुस्तफा की वजह तो सारियां नूं अल्लाह ने पाक रखिया वा, शिरक तो भी पाक रखिया, तो गुनाहों की गलाजत तो भी पाक रखिया, क्योंकि इन्होंने बाप बनना वा मेरे नूर दा। अल्लाह ने इन्हों इज्जत दी है, शान अता की है। मुसलमानों नूरे मुस्तफा जिस बाप वल आंदा रहा,
वो बाप भी जमाने दा सरदार जिस मां वल मुंतकिल हुंदा गया, वो मां भी इज्जत वाली शान वाली है। सिलसिला चलदा चलदा नूरे मुस्तफा मुंतकिल हुंदा हुंदा जनाब अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ तो अगे हाशम, हाशम तक जदों नूरे मुस्तफा पहुँच जाता वम, और जिस भी इंसान के अंदर नूरे मुस्तफा आंदा वम, अल्लाह ताला उन्हूं जारी हुसन दे नाल भी माला माल कर देंदा रहा वा। हुण हाशम अल जदों नूरे मुस्तफा आया, हाशम भी बहुत खूबसूरत बन गए उस नूरे मुस्तफा की वजह तो। मक्के वाले लोग जड़े सन इन्हों का शुरू का कारोबार तजारत आ, माल लैके मुल्के शाम वल जाते ने, जमन वल जाते ने, दूसरे मुल्कों के अंदर अपना माल फरोख्त करके आते ने, उस इलाके का माल लैके मक्के दे अंदर आते ने। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कुरैश दी ये तजारत का जिक्र भी किया, ले इलाफ कुरैशन इलाफ हिम रहलत शैतान वसैफ, रबुल आलमीन उन्हां दी तजारत का जिक्र सूरत के अंदर फरमा रहा वम। कुरैश जड़े ने ये मक्के दा एक बहुत आला खानदान, और उस खानदान के चश्मो चराग जिन्हों का नाम हजरत हाशम इमाम उल अंबिया ने सहाबा की मौजूदगी के अंदर मिंबर ते बैठ के मजमे के अंदर फरमाया, लोगों सुनो हदीस दियां किताबां च बात मौजूद आ। सीरत निगारा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद के सिलसिले के अंदर ये हदीस पाक नकल की है। अल्लाह के महबूब फरमाते ने, लोगों सुनो अल्लाह ने जो इंसानों नू पैदा किया, कबीले बनाने शुरू किए, बरादरियां बनानी शुरू कीतियां, अल्लाह ने जो खानदान बनाए जड़ा आला खानदान, उस खानदान दे अंदर मेरा नूर रखिया। चलदियां चलदियां इब्राहिम अलैह सलाम, इब्राहिम अलैह सलाम तो नस्ल अगे चलदी है, इब्राहिम अलैह सलाम की औलाद विच इस्माइल अलैह सलाम वल मेरा नूरे मुस्तफा रखिया। फिर अगे सिलसिला चलदा वा, फरमाया बरादरियां बनदियां ने, कबीले बनते रहे, खानदान अगे तो अगे बढ़ता गया। जड़ा आला इलाका सिंह आला लोग सन, मेरा नूर हमेशा ही अल्लाह ने उस पासे रखिया वा, हत्ता के अरब ते अजम बन गया। असी अजम वाले लोग हाँ, वो अरब वाले लोग ने। अरब जड़ा आला खानदान गिणिया जाता, आला इलाका गिणिया जाता जबान के हवाले नाल। अजमी सानू पता क्यों कहते ने, कहते तुसी गुंगे हो, तुसी साडा मुकाबला बोलन च नहीं कर सकते। अरब वाले सानू गुंगा कहते ने, गुंगा समझते ने। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, मेरा नूर हमेशा ही पाक लोगों च आला लोगों वल रहा, आला खानदानों च रहा, आला कबीलियां च रहा, आला लोगों में रहा, ताकि कोई इस वजह तो मेरे ते तनकीद ना करे, ला भी है तो नबी है लेकिन खानदान तो घटिया जिहा सी ना। हालांकि सोच सिर्फ साडी आ, अल्लाह की यह सोच, अल्लाह का कुरान के अंदर ऐसा हुक्म नहीं है, मगर फिर भी साड़ी सोच के मुताबिक अल्लाह के नबी ने गल की है। फरमाया, मैं खानदान के हवाले नाल भी आला खानदान का फर्द हाँ, कबीले के हवाले नाल भी मैं आला कबीले के विचों वा। दसते ने कि जिहड़ा कुरैश लफज है ना, मुफस्सिरीन लिखते हैं कुरैश, कुरैश एक ऐसा जानवर आ जिहड़ा समुंदर च रहिंदा वा, जिहदे अंदर समुंदर की हर शाही उतो खौफ खांदी आ। यानी इस हवाले नाल कुरैश का खानदान मक्के दे अंदर बाकी खानदाना दा सरदार आ, बाकी लोग उन्होंने चौधरी साहब मानते ने, सरदार मानते ने। उस खान का चश्मो चराग जी का नाम हाशम, तजारत वास्ते मुल्के शाम की तरफ जा रहे ने, मदीने की सर जमीन आती है, उस जगह पर जाके काफिला रुकदा वन, कुछ दिन ठहरते ने। और मदीने का जड़ा सरबराह सिंह, मदीने का जड़ा सरदार आ हाशम, देखिया खूबसूरत जवान, चेहरे के अंदर हुसनो जमाल नज़र आता वन, कह लगा इस तरह करूँ ये काफिले वाले, मैं तेरे नाल एक बात करनी चाहना वा। फरमाया, दसो केड़ी बात? कह लगा, यह जड़ा जवान आ, मेरी बच्ची भी खूबसूरत, हसीनो जमील, हर तरह ही अल्लाह ने उन्होंने खूब कीतियां ने, मेरा दिल चाहता वा हाशम दे नाल अपनी बेटी की शादी कर देवां, तैन मंजूर आ? हजरत हाशम उस वेले जवान, खूबसूरत नौजवान
शादी अजे की कोई नहीं। आख्या जी मंजूर है, अगर तुम पसंद करते हो ठीक हो, भी आला खानदान से शादी हो गई। उस बच्ची का नाम सलमा, सलमा जी बीवी बन गई हज़रत हाशम की। चंद दिन इतने ठहरे, फिर मुल्के शाम की तरफ चले गए। मुल्के शाम की तरफ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपना कारोबार करके। फिर मक्के दे अंदर हज़रत हाशम रज़ी अल्लाह तआला आप ते मक्के आ वापस आ जाते ने। बीवी अपने खानदान के घर, अपने वालदैन के घर ही अजे उन्होंने आता नहीं, मगर अल्लाह की रजा अल्लाह की कुदरत हज़रत हाशम जवानी के अंदर ही फौत हो गए। जवानी च शादी हो, चंद नहीं गुजारे अजे बीवी के नाल फौत हो गई। अल्लाह का पैगाम आ गया। पिछे जड़ी उन्होंने बीवी सी ना हज़रत सलमा, अल्लाह ने उन्होंने एक बेटा अता किया, मगर बेटा तो चंद नाल भी सोना, लेकिन यह भी तो गम है ना, मैं जवानी बच्चे ही बेवा हो गई हूँ, मेरा शौहर दुनिया तो चले गया, चंद दिन भी नाल इकट्ठे नहीं गुजारे। अल्लाह ताला दे वादे ने, अल्लाह ताला दे काम जिदे ते किसे बंदे नू कोई एतराज़ दा हक नहीं। हज़रत सलमा दे घर बेटा पैदा हुंदा वा, बेटे नू जदों देख दियां ने दिल खुश हो जांदा वा, मगर खुदा दी कुदरत वा ये बच्चा पैदा होया ते सिर दे सारे वाल सफेद। ये भी अनोखी गल, हालांकि सफेद वाल कुछ उम्र तो बाद जाके हुंदे ने, मगर यह बच्चा वा पैदा हुंदिया सफेद वाल ने। उहदे तो उन्होंने पता की लिया कि यह बच्चा तो कोई बुजुर्गी वाला वा, जे तो हुण तो वाल सफेद आ, बड़ी शान वाला बच्चा होगा, बड़ी इज्जत वाला बच्चा होगा। ना रखिया शीबा, इस बच्चे का ना शीबा। चलो ये बच्चा थोड़ा जहा बड़ा होया, चार पाँच साल की उम्र हो गई, अपने साथियों के नाल ये बच्चा बाजार के अंदर खेलता वा। तो खेल की हो रही है, तीर अंदाजी हो रही है, एक जगह नू मुकर्र किया जाता वा। साथी आते ने आन के तीर चलाते ने, उस जगह पर तीर लाने ने, निशाना किसे दा भी सही नहीं आता। जो ये बच्चा तीर चला वा, निशाने तो सही निशाना लगता वा, तीर अपनी जगह पर लगता वा, तो नाल बोल के कहते ने ओ लोगो तुसी मेरा मुकाबला किदा कर सकते हो, तैनू पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं हाशम का बेटा वा जड़ा मक्के का सरदार हाँ, और तुसी मेरा मुकाबला किदा कर सकते हो, तैनू पता नहीं मैं कौन हाँ, ते नाल आप ही दसदा मैं हाशम का बेटा जड़ा मक्के का सरदार हाँ। एक बंदा इंदी गुजरदा सी, ठहर गया, कहन लगा हाशम तो फौत हो चुकिया सी, ए बच्चा उहदा नाम लैंदा कि मैं उहदा बेटा वा। ये इथों ही वापस आ गया, जदों गल इहने सुनी ना इथों ही वापस आ गया मक्के नूं, आण के गल करदा यार मैं मदीने दे अंदर देख के आया, मैं एक छोटा जिहा बच्चा वा, मगर उस बच्चे दे अल्फाज जिहड़े ने दसदे ने कि कोई सरदार ही बनेगा। हाशम बज़ाहर दुनिया ते नहीं, उन्हां दी निशानी आ, उन्हां दा बेटा वा। उन्हां दे घर जाके उन्हां दे भाई नूं कहंदे ने मुतलब, आख्या की गल है भाई, उन्हें आख्या तेरा भतीजा यसरब दे अंदर मैं देख के आया वा, चलो उहदा वालद फौत हो गया, तू तो हैगा है ना, जा जाके लै के आ उहनूं हुणे, उह यतीमी दी जिंदगी बसर कर रहा वा, तू खानदान अजे मौजूद आ, फिर परेशानी कहदी आ। अब मुतलब जिहड़ा सी ना उस वेले तैयार हो गया, सवारी लै लैंदा मदीने नूं चल पैंदा वा, जाके उत्थे अपनी भाभी नूं कहंदे ने तुसी भी मेरे नाल चलो, ये बच्चा भी मेरे नाल चले। सलमा कहन लगियां गल ये त्याडी अमानत आ, त्याडा बेटा वा, त्याडे भाई दी निशानी आ, तुसी इहनूं लै जाओ, मैं अपनी जिंदगी इत्थे गुजार लवांगी। मतलब इस बच्चे नूं नाल बिठा लैंदे ने, चल पैंदे ने मदीने तो मक्के दी तरफ। अठां दिनां दा सफ़र करन तो बाद मक्के जदों पहुँचते ने, लोग पुछते ने रस्ते दे अंदर वाकफियत लोगों के नाल, रात तलक पहले तो मौजूद आ, मतलब ये बच्चा कौन आ, ये फरमाते ने मेरा गुलाम आ, ये मैं गुलाम लैके आया वा। अक्सर लोग बच्चे खरीद लेंदे सन, इंसान खरीद लेंदे सन,
ये जो तो गुलाम कहते हैं ना, घर लिया इस बच्चे नू गुसल करा के खूबसूरत कपड़े पहना के मतलब इस बच्चे नू लैके काबे दे कोल जांदे ने जिथे मक्के दे सरदार बैठे हुए ने चौधरी बैठे हुए ने। फरमाया लोगों गल ए वम, ये बच्चा मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा भतीजा वम, हाशम दा बेटा वा। लोग आखिया मतलब हुण इदां नहीं होवेगा, हुण इसे नां ते मशहूर होवेगा। वो शीबा बच्चा जिहड़ा सी अब्दुल मुतलब दा गुलाम बन गया, अब्द बन गया, मतलब दा अब्द गुलाम, इस नाँ ते मशहूर हो गया। और ये मशहूर होने वाला गुलाम फिर मक्के दा सरदार है और इमाम उल्लंबिया दा दादा। जनाबे बोलो जरा अब्द मतलब यतीमी तो फिर टाइम आया ना जो जवान होया, मक्के दा सरदार बन गया, काबे दा कुंजी बरदार। पहले तो ये खानदान इस हसीयत वे सिंह, हाजियां दे पानी का इंतजाम करना, हाजियां दे खाने का इंतमाम करना, उन्होंने सहूलत देनियां, सिलसिला चलदियां चलदियां जनाब अब्दुल मुतलब तक पहुँच जाता वा। अब्दुल मुतलब भी हुण मक्के दे सरदार बन जाते ने उस नूरे मुस्तफा की वजह तो। अल्लाह ने बड़ी शान अता की है, बड़ी इज्जत अता की है। मक्के दे अंदर पानी की शुरू तो ही बड़ी कमी सी, अज भी अगर पानी का तू हिसाब लाना वा, मक्के दे अंदर जड़े लोग जाते ने उन्होंने पता वा उस जगह ते पानी महंगा वा, तेल सस्ता वा। जिथों भी जमीन की खुदाई होनी है तेल ही निकलना, पानी नहीं निकलना। तेल सस्ता ते पानी महंगा। हुण सरदार बन गए ने, लोगों की परेशानी का अंदाजा करते ने कि लोगों को पानी की बड़ी परेशानी है। हाजी लोग बाहरों आते ने, काफले आते ने, पानी की बड़ी परेशानी आ। या अल्लाह ये भी कोई हल कर देना, पानी का मसला तो हल हो जाए। एक दिन सुते हुए ने ते ख्वाब देखिया, ख्वाब के अंदर आवाज़ आई, अब्दुल मुतलब ये जड़ा काबा है ना ये करीब एक पानी का ऐसा चश्मा सी जिदा तलक इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दे नाल। लोगों दी बदमालियां दी वजह तो चश्मा बंद हो गया, लड़ाइयां दी वजह तो उहदा नामो निशान भी खत्म हो गया। अगर वह चश्मा जारी कर दियो तो तुहाडी पानी की परेशानी खत्म हो जाएगी। ख्वाब के अंदर आवाज़ आती है, अब्दुल मुतलब आवाज़ सुनते ने मगर समझ कोई नहीं। अगली रात फिर आती है, फिर आवाज़ आती अब्दुल मुतलब इस काबे दे करीब पानी दा चश्मा वा, उन्हों जारी कर दियो, बड़ा फायदा होवेगा, बड़ा मज़े वाला पानी है। समझ कोई नहीं, ख्वाब आ। तीसरी रात हुंदी है, फिर ख्वाब दे अंदर आवाज़ आती है, जनाब अब्दुल मुतलब कहंदे ने आवाज़ देन वालिया मेरी रहनमाई कर, समझ नहीं आती किस जगह ते पानी होवेगा, कितों जमीन की खुदाई की जाए पानी मिल जाएगा। उस ख्वाब के अंदर निशानदेही की जाती है, काबे के करीम सुबह परिंदे अपने पैरों के नाल मिट्टी हटा रहे होवणगे। अब्दुल मुतलब उस जगह तो मिट्टी हटा देना, थलों पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। सुबह का टाइम हुंदा, जनाबी अब्दुल मुतलब अपने कबीले वालियां नू बरादरी वालियां नू मक्के वालियां लोगों नू कठिया कीता, लोगो आओ मेरा साथ दियो, एक बड़ा मसला हल होने वाला। अब्दुल मुतलब की कहंदे हो, फरमाया मैनु ख्वाब दे अंदर ये हुक्म हो रहा वा इस जगह ते पानी दा चश्मा वा, अगर आपां उन्हूं खुदाई करके जार कर लिए तो बड़ा मसला हल हो जाएगा। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब गल सुनो, तुसी भी इत्थे रहे, असी भी इत्थे रहे, बाप दादे ने कदी ना लिया सी कि इत्थे पानी हुंदा सी, कदी सुनिया किसे बाबे कोलों कि इत्थे पानी सी? फरमा नहीं ना सुनिया, पर मैनू हुक्म हो रहा वा इत्थे पानी जरूर है, वो पत्थरों के अंदर पानी का चश्मा जारी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी जी मेहनत करनी पेगी, आओ मेरे नाल। उन्हें कहा बाबा जी किहो जिहे गल्लां कर रहे हो, को नज़र आंदे आ सार पानी दे पत्थरां दा इलाका वा? जनाब अब्दुल मुतलब फरमाया चलो जे तुसी मेरा साथ नहीं देना मैं खुद मेहनत करांगा, उन्नी देर तक मेहनत करांगा जिन्नी देर तक पानी दा चश्मा मैनू मिल नहीं जांदा। एक ही बेटा वा जिहदा नाम हारस,
ना लै लिया। जिस जगह पर जाके देखते हैं परिंदे अपने पैरां दे नाल मिट्टी हटा रहे ने, उस जगह तो जनाब अब्दुल मुतलब अपने बेटे नूं नाल लैंदे ने, मिट्टी हटा हटा के एक सैड ते करी जा रहे ने। करते रहे कई दिन की मेहनत तो बाद जो थले जाके देखते ने थल्यों पानी का चश्मा जारी हो जाता वा। मौला शुकर मेहनत तो बड़ी की सी, मक्के वालिया ने मेरा साथ तो कोई ना दिता, तेरी मेहरबानी हुई है, मैनू पानी मिल गया, मैनू मंजिल मिल गई है, मैनू थकावट भुल गई आ। काश ये लोग मेरा साथ देंदे तो इन्ना खपना ना पैंदा बुढ़ापे विच जाके, किन्नी मेहनत करनी पई है। लेकिन बेटा जू एक सी, अगर मेरी औलाद ही ज़्यादा हुंदी तो फिर भी मैनू कोई परेशानी ना हुंदी। जनाब अब्दुल मुतलब ने उस जगह पर खड़िया होके काबे वाल तवज्जो करके ते काबे दे रब अगे दुआ की, ए रब्बुल आलमीन मैं तेरे नाल एक वादा करना वा, दुआ करना वा, मैनू 10 बेटे अता कर, ये 10 ही बेटे मेरी जिंदगी दे अंदर जवान हो जान। मौला मैं तेरे नाल वादा करना एक बेटा तेरे रस्ते ते कुर्बान कर देवांगा। ये जनाब अब्दुल मुतलब अल्लाह नू किन्ने क मनन वाले सन, तवज्जो करो जरा। या अल्लाह मैं तेरे नाल वादा करना वा 10 बेटे अता कर, 10 बेटे मेरी जिंदगी के अंदर जवान हो जान, तेरे नाल मेरा वादा वा, एक बेटा मैं तेरे रस्ते ते कुर्बान कर देवांगा, जिबा कर देवांगा। जनाब अब्दुल मुतलब की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली, अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी के अंदर 10 बेटे अता कर देते, ते 10 बेटे जवान ते खूबसूरत, किसी का ना हमजा, किसी का ना अब्बास, किसी का ना अब्दुल्ला, किसी का ना अबू तालब, 10 बेटे अता किए, ते 10 ही जवान सरदार बनन वाले, चौधरी बनन वाले जवान। जो 10 ही तैयार जवान हो गए ना, एक दिन फिर ख्वाब च आवाज आई, अब्दुल मुतलब हुण वादा भी पूरा करो ना, वो तुसां वादा किया सी कि 10 बेटे जवान हो गए, उन्हां चों एक बेटा मैं ज़िबा करांगा, हुण वादा पूरा करो। जनाब अब्दुल मुतलब अपने बेटिया नूं बुला लिया, बुला के सारी सूरत हाल उन्होंने सामने रखी, बेटा मैं तेरे चो एक बेटे नूं ज़िबा करना, केड़ा तैयार आ? दास ही कहन लगे बाबा जी जिन्हों मर्जी ज़िबा कर लो, असी तेरे हुक्म दे खिलाफ नहीं जावांगे, इनकार नहीं करांगे। फरमाया इदा नहीं, कुरानदाजी कर लैने, जिहदा नाम निकल आएगा उस बच्चे नूं ज़िबा कर दिता जाएगा। ठीक है जी, सानू मंजूर आ। जनाब अब्दुल मुतलब ने 10 बेटिया के नाँ लिखे, परचियां बना लिया, परची उठाई तो नाँ निकल आया अब्दुल्ला। ये हम सारे तो छोटे ने तो सारे तो ही खूबसूरत आ। फरमाया करा परची फिर पाओ, फिर परची पाई तो नाँ निकल आया अब्दुल्ला। फरमाया करा फिर परची उठाओ, फिर परची उठाई तो नाँ निकल आया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तैयार हो जाओ, अब्दुल्ला तैयार हो गए। बाबे ने छुरी पकड़ ली, लोगों के सामने ओ वक्त फिर लौट के आ गया, जो जदो लंबी आ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना बेटा इस्माइल ज़िबा करने वास्ते लैके चले सन। उधर भी बुजुर्ग आदमी छोटा जहा बेटा सी, इधर भी बुजुर्ग आदमी छोटा जहा बेटा ना अब्दुल्ला वा। जो लैके चलन लगे ना, लोग अगे खलो के बाबा जी ठहरियो, इन्नी जल्दी ना करना, अगर तुसी बेटा ज़िबा कर देता ये रस्म बन जाएगी, नस्लां खत्म हो जाएगियां। फरमाया लोगो मेरे रस्ते ते ना आओ, मैं अपने अल्लाह नाल वादा किया तो उस वादे नूं मैं पूरा करके हटाऊंगा। आख्या बाबा जी ठहर जो, मसला पूछ लैने, इहदा हल कढ़ लैने, अगर हल मिल जाएगा तो तुम मुतमन हो जाओगे, फिर उस मसले का हल किया जाएगा। जनाब अब्दुल मुतलब कह लगे दसो कि एक राहब दे कोल चले गए, राहब जी साडा मसला है वा, बाबे उन्होंने मन्नत मनी आ, मन्नत दे अंदर बच्चा ज़िबा करना वा, तुम दसो कुछ मतबादले का हल हो सकता वा? उन्हें कहा मक्के वाले लोगो, ते नज़दीक एक इंसान की कीमत की है? इन्हें क्या साढ़े नज़दीक इंसान की कीमत आ 10 ऊंट। अगर कोई बंदा कतल हो जाए तो जिन्हों का कतल होया वा उन्होंने राजी करना वे, तो अस 10 ऊंट देने साड़ी कीमत आए जान दी। फरमाया फिर मसला सीधा सीधा ही आओ, 10 ऊंट जड़े ने ज़िबा कर दियो, अब्दुल्ला बचा लवो, बेटा बच जाएगा।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमान लगे इतना मेरा दिल राजी नहीं होंगे। बाबा जी फिर की करिए? फरमा कुरान अंदाजी करो ना, पता लग जाएगा क्या मेरा रब अब्दुल्ला के बदले वाकई ऊंटा पसंद करता वा। अगर ना ऊंटा का निकल आएगा तो मैं समझ लवांगा कि बेटे के बदले अल्लाह ने ऊंट पसंद कर ले। मुसलमानों जो गल हुई है ना, कुरान अंदाजी की गई तो ना निकल आया अब्दुल्ला, उन्हें आख्या मतलब मेरा रब मेरा बेटा ही चाहता वा, ऊंट नहीं चाहता। राहब कह लगा नहीं कोई गल नहीं, तुम दस ऊंट और बधा दो। जिनी देर तक ऊंटा के ना कुरा नहीं आएगा उन्नी देर तक वधांदे रहो ना, तो कुरा अंदाजी करते रहो। जो तादाद सौ दी हो गई ना कुरा अंदाजी की, तो फिर ऊंटा का जाके ना निकलिया। तीन बार कुरा अंदाजी की, तिने बार ऊंटा का ना निकलिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया चलो हूँ मेरा दिल राजी हो गया कि मेरे बेटे के बदले अल्लाह ने सौ ऊंट नो बोलो कबूल कर लिया। अंदाजा करो अजे मुस्तफा दुनिया से नहीं आए, मक्के वालों के नज़दीक एक इंसान की कीमत दस ऊंट। मुस्तफा के सदके ना अल्लाह ने दस गुणा कीमत इंसान की बढ़ा दी। मक्के दे अंदर फिर दियत यह मुकर्रर हो गई कि अगर कोई बंदा कतल हो वारसां नूं दस ऊंट नहीं दिते जाणगे, बल्कि किन्ने एक सौ ऊंट दिता जाएगा। यह कीमत मुस्तफा के दुनिया से आने वाले इंसान की बढ़ गई। सौ ऊंट ज़बह किया गया, आम ऐलान हो गया लोगो जिन्ना भी गोश्त चाहिए लै जाओ। जरा अंदाजा करो ना ऊंट दस का मन का भी गिणोगे तो कितना गोश्त हो गया। उस वे फिर मक्के वालियां ने रज रज के गोश्त खाधा तो जशन किया अब्दुल्ला के बचन का। लोगों को बड़ी खुशी हुई, हत्ता के दरिंदे परिंदे चरिंदे हर शह ने वो गोश्त खाधा। और कायनात के अंदर इतनी बड़ी दावत शायद किसी इंसान ने ना पहले की होएगी ना बाद में की होएगी। अरब की तारीख के अंदर इंशाल्लाह तआला मज़मून अजे बाकी है, अगले जुमे तो बात करांगे। दुआई के अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन वमा अलैहि।